अक्षय तृतीया व परशुराम जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में परिषद के प्रांतीय कार्यालय पर हवन यज्ञ कर हवन सामग्री 21 पात्रों में रखकर शहर के विभिन्न हिस्सों को हवन के पवित्र धुआं से सैनिटाइज कर शुद्ध किया गया। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि पूज्य संतों के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में आज के दिन यज्ञ का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत गोरखपुर के कार्यकर्ताओं ने यज्ञ और यज्ञ के धुएं को महानगर के विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजर के रूप में वायु को शुद्ध करने के लिए लेकर गली गली गए हैं। उन्होंने कहा कि यज्ञ की महत्ता शास्त्रों में विदित है। यज्ञ करने से कई किलोमीटर में शुद्ध ऑक्सीजन होती है एवं वातावरण भी शुद्ध होता है। यज्ञ में गाय के घी, गोबर एवं यज्ञ में पड़ने वाले अन्य सामग्रियों से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में वातावरण से विषाणु और कीटाणुओं को दूर करके और शुद्ध ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने यज्ञ सामग्री को 21 पात्रों में रखकर और शहर के विभिन्न हिस्सों में उसके पवित्र धुएं से शुद्ध करने का कार्य किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, हिंदू जगेगा, कोरोना भगेगा, कोरोना भगेगा, हिंदू जगेगा, कोरोना भगेगा। माता की विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में वैश्विक महामारी कोरोना को भगाने के लिए जो अपनी आयुर्वेदिक पद्धति है, जो अपनी सनातन पद्धति है, यज्ञ के माध्यम से वातावरण को शुद्ध करने के लिए आज हम लोगों ने अपने कार्यालय पर यज्ञ करने के पश्चात यज्ञ के पूरा यज्ञ सामग्री का धुआं करते हुए इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का कार्य कर रहे हैं। आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में अक्षय तृतीया के दिन यज्ञ के माध्यम से सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज महानगर के कार्यकर्ताओं ने यज्ञ करने के बाद कार्यालय पर और बाल्टी में यज्ञ का धुआं लेकर के पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम किया है। क्या अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा काम चल रहा है? जी, अन्य जगहों पर भी ऐसे काम चल रहा है, लेकिन ये प्रयोग यहीं से शुरू हुआ है, अभिनव प्रयोग हुआ है।